केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के बायकॉट अभियान से हम कर लेते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के विरोध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। नई संसद के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने के बाद अब कई विपक्षी पार्टियों ने नीति आयोग की बैठक का भी बायकॉट कर दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है और नीति आयोग की बैठक का बायकॉट करने की वजह भी बता दी है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद का उद्घाटन किए जाने के विरोध में विपक्षी दल समारोह का बायकॉट कर रहे हैं और अब इस विरोध की चपेट में नीति आयोग की बैठक भी आ गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में जाने से मना कर दिया है। सीएम मान ने नीति आयोग को जो चिट्ठी भेजी है उसमें उन्होंने लिखा है, नीति आयोग की पिछली बैठक में जो बातें हुई थी उसमें से किसी पर कोई काम नहीं किया गया। नीति आयोग की बैठक में पंजाब के फाइनेंस को लेकर बहुत से मुद्दे रखे गए थे, पहले उनको हल करें तो वो बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। केंद्र सरकार पंजाब के हितों का ध्यान नहीं रख रही, किसानों के जुड़े मुद्दों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। केवल एक फोटो सेशन के लिए मैं बैठक में नहीं आ सकता। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुक्ष भी केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। आरडीएफ का मुद्दा उठाते हुए सीएम भगवंत मान के फैसले को सही बता रहे हैं। नीति जो कि जो पिछली बैठक थी जो अगस्त में हुई थी उसमें भी सीएम गए थे खुद, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो केंद्र सरकार है वो पंजाब की बाजू नहीं पकड़ रही, पंजाब के साथ एक मतरेई मां जैसा सलूक किया जा रहा है। अगर जो पिछली मीटिंग में उठाए गए जो एजेंडे थे, सवाल थे, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बनाना, उनको हल नहीं करना, तो मीटिंग में जाने का कोई उचित नहीं रहता है। हमारा आरडीएफ का 3200 करोड़ रुपया अभी तक रिलीज नहीं किया जा रहा है पंजाब का, वो हमारा राइट बनता है। इस बार भले उसको कम कर दिया हो लेकिन जो पिछली बार का हमारा स्टैंड करता है वो अभी तक हमको जारी नहीं किया गया है। भगवंत मान अकेले मुख्यमंत्री नहीं है जो इस बैठक का विरोध कर रहे हैं। मान के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी नीति आयोग की बैठक के बायकॉट का ऐलान कर चुके हैं। नीति आयोग की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में 27 मई को होने वाली है। इस बैठक में देश को साल 2047 तक एक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा विकास, स्वास्थ्य कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है। नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इस बार कई विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से मना कर चुके हैं। ये फंड क्यों नहीं मिल रहा, उदे अनेक कारण ने, सरकारा जो तक अपनी NOC नहीं भेज दिया अगला फंड नहीं आता, अपनी नलैकी छुपा रहे। लेकिन ये नीति आयोग की मीटिंग से ना जान का जोड़ा निर्णय ले रहे हैं वो RDF फंड के कारण नहीं है, वो केवल क्योंकि मोदी का विरोध करना है और विरोधियों के नाल अपने आप को जोड़ के दिखाना है और केजरीवाल को खुश करना है। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध सिर्फ नए संसद भवन के उद्घाटन या नीति आयोग की बैठक के बायकॉट तक सीमित नहीं है। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का एक संयुक्त मोर्चा खड़ा करने की कोशिश में हैं। इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, मुंबई में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और NCP के नेता शरद पवार से मुलाकात कर समर्थन मांगा है। दरअसल भगवंत मान और केजरीवाल दिल्ली में लाए गए केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस का विरोध करने और राज्यसभा में बिल को गिराने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ये विपक्ष की एकता है क्या, ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये देश की बात है, देशभक्तों की बात है। देश जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाले लोग हैं, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाली पार्टियां हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है और भारी खतरे में है। कैसे इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड लोग जो हैं वो जनता को चलाते हैं, वो सरकारें चलाते हैं,
जबकि लोकतंत्र का मतलब है इलेक्टेड। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें जारी हैं। पिछले कुछ महीनों से विपक्षी एकता की कवायद तेज है। फिलहाल हर मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ ज्यादातर विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों पर कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार ने भगवंत मान की सुरक्षा बढ़ा दी है और अब भगवंत मान जेड प्लस सुरक्षा घेरे में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुफिया इनपुट के बाद यह फैसला लिया है, लेकिन पंजाब में इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का सुरक्षा घेरा अब और सख्त होने वाला है। मान की सुरक्षा में अब पंजाब पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहेंगे, जो पूरे भारत में 24 घंटे साए की तरह इनके साथ रहेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने भगवंत मान को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। भगवंत मान के पास पहले ही पंजाब पुलिस का कवर है। इस आदेश के तहत अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में 10 एनएसजी कमांडो के साथ साथ पंजाब पुलिस और सीआरपीएफ के 55 जवान तैनात होंगे। भगवंत मान की सुरक्षा बढ़ाने से पंजाब का सियासी तापमान भी बढ़ गया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने एक वीडियो ट्वीट कर तंज कसा। कोई और काम कर लो, मुर्गी खाना खोल लो, और 50 काम ने क्यों खतरे वाला काम कर दो, ये खतरा है। भगवंत मान का यह बयान पुराना है। अब सुखबीर बादल ने भगवंत मान के बयान को उन्हीं पर हमले का हथियार बनाया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भगवंत मान के बीच इन दिनों जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। ऐसे में उन्होंने भी चुटिले अंदाज में बधाई देते हुए तंज कसा। सरदार भगवंत सिंह मान जी नू बहुत बहुत बधाई देना कि हुणे हुणे मैं खबर देखी है, शायद वो सांझा वालों की कि एबीपी सांझा किसी चैनल पर आई है कि उन्होंने जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है। सो इस गल की उन्होंने मैं बहुत बधाई देना कि आएगी भी सीआरपी, दो तीन बटालियां आएंगियाँ, 2-3 हज़ार बंदा आऊगा, उन्होंने हिफाजत वास्ते अगे पिछे लश्कर होएगा तगड़ा, तो पंजाब पुलिस के बंद हटा दिता जाएगा फिर, क्योंकि शायद पंजाब पुलिस से विश्वास नहीं होना। इस करके मैं उन्होंने बहुत बधाई देना कि बहुत बड़े वीआईपी आज जो घोषित हो गए हैं, जेड प्लस उन्होंने मिल गई है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये सुरक्षा खुफिया इनपुट के आधार पर व्यक्ति की जान के खतरे को देखते हुए दी जाती है। भगवंत मान से पहले पंजाब में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को भी जेड प्लस सिक्योरिटी मिल चुकी है। आज तक ब्यूरो। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं पंजाब की टॉपर बेटियों से। आज 10वीं क्लास के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। इस बार भी बाजी मारी है बेटियों ने ही। पंजाब की टॉपर और सेकंड टॉपर दोनों ही लड़कियां फरीदकोट के एक ही स्कूल की स्टूडेंट्स हैं। रिजल्ट आने के बाद स्कूल में उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। ढोल बज रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है। ये तस्वीरें फरीदकोट में कोटसुखिया गांव के एक स्कूल की है। आज 10वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद गगनदीप कौर और नवजोत कौर का स्वागत कुछ इस अंदाज से हुआ। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली इन दोनों बेटियों ने इतिहास रच दिया, 10वीं की परीक्षा में कमाल कर दिया। गगनदीप कौर ने 10वीं की परीक्षा में 650 में से 650 यानी 100% अंक हासिल करके पूरे पंजाब में टॉप किया है। तो नवजोत कौर 650 में से 648 अंकों के साथ सेकंड टॉपर रही। अब दोनों छात्राएं आगे की पढ़ाई विदेश जाकर करना चाहती हैं। गगनदीप कौर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती है, नवजोत कौर इंजीनियरिंग करना चाहती है। मैं पहला अपने टीचर्स तो पढ़ती सी स्कूल विच, फिर शाम में जाके रेस्ट करती सी स्कूल, फिर रात नू शाम नू पढ़ती सी ते सुबह पढ़ती सी। घर दे मैनू कदे भी इन्होंने फोर्स नहीं किया सी स्टडी वास्ते भी तू इन्ना है ना भी पढ़ना ही पढ़ना जा तू है ना पढ़ी चलिया कर है ना, उन्होंने मैनू कोई कदे फोर्स नहीं किया सी, मैं आपदी मर्जी नाल पढ़ती सी। पिताजी की काम करते? मेरे पिताजी खेतीबाड़ी करते। बहुत मेहनत की पढ़ाई, बस उन मेहनत का फल मिल गया। हुण मैनू किन्ने नंबर आए?
655 चो 648 किसका सेना जाता है? टीचर स्टाफ नू, पेरेंट्स नू, स्कूल नू। बेटियों की इस कामयाबी से परिवार वाले गदगद हैं। पिता अपनी होनहार बेटी पर फख्र कर रहे हैं। हाँ जी, असं पूरा साथ दे रहे हैं बच्चों, खेती के नाल नाल बच्चों पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जी पढ़ाई बारे जी। तो उदू ज़्यादा स्टाफ का धन्यवाद करते हैं जी, तो जिन्होंने भी इतों स्टाफ ने वधिया शिक्षा दे के ते इस मुकाम तक पहुँचा। मैनू तो पहला ही इन्हें उम्मीद सी भी लै भी यह पोजिशन लगेगी, क्योंकि इन्हें सुबह तो लग जाना रात तक पढ़ी जाती, बस जो इन्होंने मैं पढ़ना बस मैं पढ़ना ही करी। गगनदीप कौर और नवजोत दोनों एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, लिहाजा स्कूल के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। स्कूल के प्रिंसिपल ने दोनों छात्राओं को बधाई दी, साथ ही उनकी कामयाबी की कहानी भी सुनाई। उन्होंने बताया कि गगनदीप और नवजोत पढ़ाई में होनार होने के साथ साथ खेलों में भी अव्वल रहती है। बच्चे बहुत वधिया, बहुत मेहनती बच्चे है, जिन्होंने नाल नाल खेडा दा काम नाल नाल ही अपनी स्टडी नू रेगुलर रखिया, तो बहुत ही मतलब जिमें जिमें टीचर दसते सीगे उमें उमें उन्होंने टाइम टेबल बना के घर बहुत वधिया तरीके पढ़ाई की, ताकि वो अपनी पोजिशन ता ही हासिल कर पाए। इस बार 3 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी थी, जिनमें से 97.56% स्टूडेंट पास हो गए, लेकिन इस बार भी बाजी लड़कियों ने मारी। पूरे पंजाब में टॉप करने वाली गगनदीप के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है, हर कोई उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहा है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक भी अमृतसर के डैमगंज से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला घोड़ों के तबेले में रहने के लिए मजबूर है, जहाँ बदबू की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। इस हैरान कर देने वाले मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो गंदगी और बदबू की वजह से पुलिसकर्मी भी मुंह पर रूमाल रखते हुए नजर आए। इस बुजुर्ग महिला के 3 बेटे हैं और तीनों शादीशुदा हैं। बाबा जुदेस के महिला को देखने वाला कोई नहीं है। हाँ जी, जड़े घोड़ा लैन आए ने, घोड़ा जड़े मैडम आए ने उन्होंने दिता जाए, वो यदि पाल पोछ कर अपनी कार्रवाई कर। हाँ जी, माता के भाजी बड़े हाल माड़े ने, वो बेचारी बहर बहिंदी है, कोई राह जाता कोई कोई आंढ़ी गुआढ़ी, कभी रोटी दे दिंदा, कभी चाह दे दिंदा, कभी बिस्कुट दे दिंदा, कभी पानी। हाँ जी, यदि मुंडे दे कोल बैंक बैलेंस हैगा जी, इहदा कानूनी कार्रवाई करके इहदा बैंक बैलेंस वेख्या जाए। चंडीगढ़ नगर निगम ने RRR नाम से फ्लैगशिप कार्यक्रम की शुरुआत कर डाली है, जिसके तहत अब चंडीगढ़ के लोग घरों में पड़े हुए पुराने रिसाइकल प्रोडक्ट्स को डोनेट कर देंगे। इस मुहिम को खासतौर पर पर्यावरण और चंडीगढ़ सिटी को साफ सुथरा रखने के लिए शुरू किया गया है। चंडीगढ़ में इन दिनों RRR की मांग काफी बढ़ गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, RRR यानी रिसाइकल, रियूज एंड रिड्यूस। ये है चंडीगढ़ का RRR सेंटर, जिसे शुरू किया है चंडीगढ़ नगर निगम ने। चंडीगढ़ नगर निगम फ्लैगशिप कार्यक्रम मेरा जीवन मेरा सुंदर शहर के तहत ये अनूठी पहल है, जहां आपके घर के वो सामान जो स्टोर में पड़े हैं, वो यहां लाकर जमा करवाए जा सकते हैं, और इसे उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है जो इन सामानों का सही इस्तेमाल कर सके। पर्यावरण दिवस, जिसके तहत लोग 20 मई से 5 जून तक शहर के RRR स्टोर पर घरेलू सामान दान कर सकते हैं। ट्रैक कॉर्पोरेशन का बहुत अच्छी पहल है कि हमारे अननेसेसरी कबाड़ बहुत होता है हमारे घर में, अनयूज सामान बहुत होता है, और यूजलेस है वो पड़ा ही रहता है, तो यहाँ देने से किसी के काम भी आएगा, और घर में हमारे स्पेस बहुत कम होती है, लेकिन वो अननेसेसरी सामान हम भरे रखते हैं, तो किसी न किसी के यूज आएगा और हेल्प भी होगी और हमारे घर की सफाई भी होगी, दोनों काम होंगे। और कारपोरेशन के लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया। पर साड़ी कोशिश मार्केट वाले नाल मिलके ही रहेगी, इत्थे अपना छोटे जे बॉक्स लगा दिए, चाहे यूज्ड कपड़े, अनयूज्ड कपड़े, अनयूज्ड क्लोथ, जो चीजें इत्थे रोकी रख जान, और वह असी अगो किसी नूं डोनेट भी कर दिए, किसी के काम भी आ जाए। सो इहदे नाल साडा शहर साफ भी होएगा, साफ सुथरा भी होएगा, और इहदे नाल गरीबां दी भी बहुत वड्डी हैल्प होएगी। इस करके असी मार्केट के प्रधान नाल मिलके ये चीजा करते रहेंगे, कारपोरेशन का सहयोग भी करते रहेंगे और उन्होंने सहयोग भी लेंदे रहेंगे। ये बाई सेक्टर की ग्रोथ हुई है और ये सेक्टर जो है बहुत सुंदर लगता है। जो हमारे घर का वेस्ट सामान होता है वो हम डोनेट करते हैं, ताकि बच्चों किसी के काम आए, और लोग बड़ी दूर दूर से बाई सेक्टर देखने आते हैं, शॉपिंग करने भी आते हैं, देखने भी आते हैं। इन RRR सेंटर्स पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं,
कोई यहाँ पुराने कपड़ों के साथ पहुँचा है तो कोई पुराने जूतों के साथ। यहाँ पहुँचा हर शख्स इसने काम में मदद करने की अपने तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है। यहाँ अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं जिससे सामानों को बांटना आसान हो। कपड़े, किताबें, खिलौने और जूतों को जमा किया जा रहा है। चंडीगढ़ की नगर निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने बताया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक केंद्रों, शहर सफाई केंद्रों, धार्मिक स्थलों या बाजार कल्याण संघों की दुकानों को मिलाकर शहर में कुल 34 RRR केंद्र स्थापित किए गए हैं। ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट ये है, 3R, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस, हमें हमारी कंजम्पशन पैटर्न्स पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम गैर जरूरी चीजें तो नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो कभी ना कभी जाके तो कूड़ा बनता ही है। रीयूज, जो हमारे ये कलेक्शन सेंटर्स है, कि आप अगर कोई सामान इस्तेमाल करना बंद कर दिया है आपने तो फिर आप वो हमारे सेंटर्स में देके जाइए। ऐसे हमने 35 सेंटर हमारे चंडीगढ़ में खोले हैं, 35 वार्डो में। 5 जून तक ये सेंटर सारे खुले हुए होंगे, क्योंकि उस दिन पे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है। RRR केंद्रों को तिरंगे से सजाया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में शामिल हो सके। नगर निगम ने नागरिकों से ये भी अनुरोध किया है कि वो अपने निकटतम केंद्र पर जाएं और अच्छी स्थिति में वस्तुएं दान करें ताकि उनका पुनः उपयोग किया जा सके। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।